चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीन सेट बताने के बाद आज मैं चौथा सेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, साइंस का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपको पता होगा क्लास टेंथ का सारा सब्जेक्ट का लगभग समाप्त कर दिया है, मैथ को एक एक करके बच्चों की तरह समझाया गया है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप हमेशा के लिए कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो तीन सेट बताने के बाद आज मॉडल सेट चौथा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण हमेशा क्या हो जाएगी, 90 का आधा यानी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आपतित, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर आपतित और परावर्तित किरण के बीच, उसके बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। कभी भी ध्रुव और वक्रता केंद्र जो होता है, ठीक है, जब इसका रेखा चित्र बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, आलेख बनाइएगा तो मुख्य अक्ष कहा जाता है। यदि एफ बराबर 16 है, याद रखिएगा एफ 16 रहेगा या एफ के जगह रहेगा यानी कि फोकस दूरी रहेगा तो हमेशा आर क्या कीजिएगा, जितना रहेगा 16 उसका दोगुना कर दीजिएगा, यानी त्रिज्या बोलेगा या आर बोलेगा तो दोगुना कर देना है। अगर त्रिज्या रहेगा, ठीक है, अगर त्रिज्या रहेगा 32 और बोलेगा फोकस दूरी तो उसको आधा कर देना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखा जो कि उसको सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, या प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश अपवर्तन के कारण जो होती है उसी घटना को वो दर्शाता है। तो थोड़ा फास्ट मैं पढ़ देता हूँ, साइंस है अब बिल्कुल ये समझ सकते हैं, ठीक है, हिंदी से लिखा गया है, मैथ रहेगा तो काफ़ी मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 से 2 महीना में 8, 9, 10, 11, 12 का हर सब्जेक्ट का बताना कोई मामूली सी बात नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ ताकि वीडियो जल्दी समाप्त होगी। जहाँ परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डिटेल से स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको समझा दूंगा। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होता है, तो हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। उसके बाद नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, पुतली करता है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उल्टा और वास्तविक। जरा दूरदृष्टि होने वाला क्या कहलाता है, समंजन क्षमता का घट जाना। अभी नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। कौन रासायनिक अभिक्रिया से संतुलित है, तो जब इसे बैलेंस करने हम बताए हैं उसको आप देख लीजिएगा वीडियो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 3Fe+4H2O, तीर के निशान, Fe3O4+4H2O। ये जो समीकरण देख रहे हैं, दिए गए समीकरण किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन है, तो CuO+H2O, तीर के निशान, Cu+H2O। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान का क्या होता है, हमेशा बराबर होता है यानी कि समान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। समान भी रहेगा तो लिख दीजिएगा, बराबर भी रहेगा तो आपको ऑप्शन लगा देना। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिटेल से मैं बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ 3 पीढ़ी तक याद रहेगा कि ये सब स्ट्रक्चर आते हैं कैसे, बनते हैं कैसे, बैलेंस कैसे होते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। CH4+2O2, तीर का निशान, समीकरण, CO2+H2O+ ऊर्जा की कैसा है, ऊर्जा जो करती है उष्मा क्षेपी यानी गर्म अभिक्रिया करती है, ठीक है, यानी संयोजन। A+ अम्ल लवण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। A+ अम्ल, समीकरण, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसमें ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, यहाँ पर डालने से ये समीकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है। किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होता है, NaOH। किस लवण में क्रिस्टलीय का जल मौजूद होता है, CuSO4 5H2O। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो NaCO3। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। 14 नंबर को ध्यान से समझिएगा, ABCD pH मान क्रमशः दिया गया है 2, 4, 7, 14 में, यह पदार्थ कौन होगा क्षारक, याद रखिएगा 7 से जो भी ज़्यादा रहता है एक स्केल बनता है, ठीक है,
सात से जितना भी कम रहता है वो अम्ल होता है, और सात से ज्यादा जो होता है वो क्षारक होता है। तो सात से ज्यादा क्या है? चौदह। चौदह का क्या है? चौदह ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, डी नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो संयोजन अभिक्रिया हो रही है। भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सी जैव प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो संवहन होती है। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी संभोगी पोषण। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो लाइपेज। यानी कि एग्जाम से पहले सारा सब्जेक्ट को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम होगा तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट का टूटना कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधे में पत्तियां द्वारा बने भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? तो जनन। ये जो चित्र दिखाई देता है जनन को क्या दर्शाता है? तो कायिक प्रवर्धन दिखाई देता है। ये जनन का क्या है? कायिक प्रवर्धन है। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस पराक्रम को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में होता है। जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस संयंत्र के निर्माण को पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं होती हैं? याद रखिएगा यह अत्यंत महंगा होता है। सौर सेल क्या होता है? अत्यंत महंगा होता है। नाभिकीय ऊर्जा के संभोग की क्या सीमाएं होती है? तो याद रखिएगा नाभिकीय अवशिष्ट के भंडारण में समस्या जो उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न हो जाती है, यानी नाभिकीय अवशिष्ट के भंडारण में एक जो समस्या होती है वो क्या होती है? हमेशा उत्पन्न होती है। कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा, यानी कि अच्छा है? तो हो जाएगा CNG, यानी जिसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे प्राकृतिक नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म में ईंधन का प्रयोग होता है? तो तापीय विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह से अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अब आपका इच्छा सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि मैं अगला दिन जरूर बताऊँगा मॉडल से।